vaccination drive that will be carried out across India after the DCGI approval. Uttar Pradesh currently is conducting a dry run at 6 sites in every district to assess the preparedness for administering the vaccine against COVID-19. The state government has released detailed guidelines for the statewide dry run. Quickly playing out some of the latest reactions, also a ground report filed by my colleague Samarth. लोहिया में आज ड्राई रन चल रहा है, यूपी में सेकंड ड्राई रन मॉक ड्रिल, और आज लोहिया हॉस्पिटल में स्वयं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं, लोहिया में आए हैं एक बार जायजा लेने ड्राई रन का। आप देख सकते हैं साथ में उनके कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी भी मौजूद हैं, और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में अंदर जाते हुए आपको दिखाएंगे किस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अंदर आ रहे हैं और ड्राई रन का एक बार जायजा लेंगे। यूपी में दूसरा ड्राई रन है ये, और लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश उनको वहाँ यहाँ पर समझाते हुए चीज़ें कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, लिस्ट में क्या क्या लिखा गया है, वो सब बताते हुए एक तरह से आपको मैं दिखा पा रहा हूँ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए अब यूपी सीएम खुद भी मास्क लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, और आपको ये विजुअल्स लगातार दिखा रहे हैं। इस तरह से विजुअल्स आप लोहिया हॉस्पिटल से देख रहे हैं। अब सीएम जो हैं वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, डीएम लगातार उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, और यूपी सीएम यहाँ पर वेटिंग एरिया में जाकर जायज़ा ले रहे हैं। आपको हम बाहर से ही दिखाएंगे किस तरह से, ये देखिए अब लखनऊ कमिश्नर भी साथ में मौजूद हैं, लखनऊ के सीएमओ भी साथ में मौजूद हैं संजय भटनागर, और पूरा तरीके से यूपी सीएम यहाँ पर कोरोना का, जिससे शुरुआत कोरोना की हुई है, यूपी सीएम ने खुद से चीज़ों को मॉनिटर किया है। तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन हो रहा है, पहला चरण 2 जनवरी को हुआ था, 2 जनवरी को 6 केंद्रों पर हुआ था, आज 5 जनवरी को लखनऊ में 12 स्थानों पर ड्राई रन चल रहा है। 12 में 8 शहरी क्षेत्र हैं, 4 ग्रामीण क्षेत्र हैं। इसी 8 शहरी क्षेत्र में से एक आरएमएल में हम लोग खड़े हैं, जहां अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका निरीक्षण किया है, भ्रमण किया है और उचित दिशा निर्देश दिए हैं। ये जो कार्यक्रम है, चाहे ड्राई रन का या बाद में जो एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा, इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लस पुलिस डिपार्टमेंट, तीनों के सहयोग से, तीनों के सामंजस्य कार्यक्रम होगा। जहाँ तक पुलिस की व्यवस्थाओं का सवाल है, जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो हमारे प्रबंध 3-4 जगह रहेंगे। नंबर 1 जहाँ कोल्ड स्टोरेज होगा, जहाँ पर वैक्सीन्स रखे जाएंगे। नंबर 2 जब कोल्ड स्टोरेज से जो एक्चुअल वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ जाने के लिए जो इस व्हीकल से जाएंगे वैक्सीन, उसमें हमारी पुलिस प्रबंध रहेगी। और तीसरा जहाँ एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा वहाँ पर हमारा पुलिस प्रबंध रहेगा। उन्होंने जो अभी निर्देश दिए हैं यही कि तीनों विभाग सामंजस्य रखकर कैसे काम चलाएँ, कैसी व्यवस्था की जाए। उन्होंने ये जानकारी चाहिए कितने लोगों को एक साथ जैसे वैक्सीनेशन कराया जा सकता है, ये सारी जानकारी ली। आज शाम में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं वीसी करने वाले हैं, पूरे प्रदेश के सभी जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, फिर वो व्यापक दिशा निर्देश देंगे। ड्राई रन हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग चेक कर लें कि एक्चुअल जब वैक्सीनेशन होगा तब तक क्या व्यवस्था होगी, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ड्राई रन करके जब भी देखते हैं आप, हम लोग परेड भी करते हैं तो पहले एक रिहर्सल परेड करते हैं, मॉक परेड करते हैं। ड्राई रन का पर्पस ये है, पूरे इंडिया में हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पर हो रहा है, ड्राई रन हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को परख लें, देख लें कि एक्चुअल जब करना होगा तो कैसे कर पाएंगे, उसी के लिए व्यवस्था की गई है। सर का निर्देश यही रहा है कि जो है इस काम को हम फुल प्रूफ तरीके से करें, इसीलिए ही हम यहाँ पर अभी ये सेकेंड रिहर्सल किया है, सेकेंड ड्राई रन किया है। एक बार हम 2 तारीख को पूर्व में भी कर चुके हैं, और आज जो हम 12 स्थानों पर कर रहे हैं, और चुन चुन के अलग अलग सेटअप्स हैं, रूरल में भी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और गवर्नमेंट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सर टोटल 12 सेंटर्स यहाँ लखनऊ में चुने गए हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भी चुने गए हैं। सर पिछली बार कुछ लूपहोल्स निकले थे, क्या लगता है सर इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे? नहीं, थोड़ा यही था कि जो हम अपने लॉजिस्टिक्स हैं उनको समय से पहुंचा दें, तो इस बार हमने एक दिन पहले ही हर अपने बूथ के ऊपर लॉजिस्टिक पहुंचा दिए थे। हमारे नोडल ऑफिसर्स ने जाकर वहां पर, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और वहां के जो भी हॉस्पिटल है वहां के नोडल अधिकारी, चारों ने मिलकर एक दिन पूर्व में ही जो है सारी तैयारियाँ कर ली थी। सर लखनऊ की आम जनता जानना चाहती है कि वैक्सीन जब स्टार्ट होगी क्या प्रोसीजर होगा, आवेदन किस तरह से करेंगे, तो लखनऊ के सीएमओ को क्या कहना है, इस पर क्या बताना चाहेंगे? अभी तो 3 चरण ही केवल जो है बताए गए हैं। पहले तो राउंड में हम हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं, दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और तीसरे में फिर जो है हम
ऐसे कोमॉर्बिड्स जो 50 ईयर से ऊपर की एज के हैं और उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है। तो क्या प्रोसेस कोई तैयार किया गया तरीका आवेदन करने का? सेकेंड राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पत्र विभागों को जा चुका है कि अपनी लिस्ट जो भी लाभार्थी हैं उनकी संकलित करके हमें 2 दिन के अंदर दे दें, फिर उनको हम ऊपर भेज के एक अगले राउंड जो हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स का उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगला नारायण सर आखिरी सवाल, कब होना है और कहाँ कहाँ इस बार डिसाइड किया आप लोगों ने? जो संभवतः ये जो हमारे बूथ्स रहेंगे ये तो यूज़ होंगे ही नेक्स्ट राउंड के लिए भी, अगर ज़्यादा लोग होते हैं मैन पावर तो हमें बूथ बढ़ाने पड़ेंगे। और डेट कौन सी रहेगी? क्या डेट? तो मंडे और फ्राइडे इसलिए निश्चित की गई है कि वेडनेसडे और सैटरडे के रूटीन इम्यूनाइजेशन भी चलते रहें और ये भी काम चले।